जी हाँ, बात कर रहे हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की। लेकिन फिलहाल हम बात करने वाले हैं अरविंद केजरीवाल की बेटी हर्षिता केजरीवाल की। मैं आपको बता दे कि अरविंद केजरीवाल को तो सब जानते हैं, लेकिन उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। तो आपको बता दे कि हर्षिता केजरीवाल अपने पिता की तरह ही पढ़ाई में काफी आगे हैं। हर्षिता ने 12th क्लास में 96% मार्क्स हासिल किए थे और उसके बाद इंजीनियर की तैयारी की थी। इसके बाद हर्षिता ने इंजीनियरिंग के सबसे मुश्किल मानी जाने वाली परीक्षाओं में से IIT में अच्छा रैंक हासिल किया और परीक्षा में पास होने के बाद साल 2014 में उन्हें IIT दिल्ली में एडमिशन लिया। सिर्फ इतना ही नहीं, अरविंद केजरीवाल भी अक्सर सभाओं में अपनी बेटी के बारे में बात करते नजर आते हैं। उन्होंने कहा था कि मेरी बेटी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करती है। मैं आपको बता दे कि CM केजरीवाल ने ये भी बताया था कि अक्सर लोग उनकी बेटी को बोलते हैं कि उन्हें मेहनत करने की क्यों जरूरत है, उनके पिता तो CM है, वो तो जीत ही जाएंगे। लेकिन उनकी बेटी ने जवाब देते हुए कहा कि मैं CM के नहीं बल्कि आजादी की दूसरी लड़ाई का हिस्सा बनना चाहती हूँ। मैं आपको बता दे कि बचपन से ही पढ़ाई में तेज थी हर्षिता और IIT दिल्ली से केमिकल इंजीनियर की पढ़ाई की है और वो इस पढ़ाई को पूरा करके इंजीनियर के तौर पर मल्टीनेशनल में काम कर रही हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, अरविंद इसके अलावा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बेटे पुलकित केजरीवाल ने इस साल 12वीं कक्षा में 96.4% के साथ पास की है और इसके बाद इंजीनियर की परीक्षा पास करके पुलकित ने भी इसी साल IIT दिल्ली में एडमिशन लिया है। अब तक के लिए आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हर्षिता केजरीवाल के बारे में जानकर कैसा लगा। नेक्स्ट 9 लाइव से गीतांजलि की रिपोर्ट।